कैसे हो आप सभी? आए हो आप सब बहुत 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 अच्छे। तो भाई आज बहुत ज़्यादा ही काम है घर में और खाना भी बनाना है, और मैंने करंट की वीडियो डाल दूँगी। और आज आलू के पराठे और हस्बैंड के लिए मेरे बंद गोभी जो होती है ना उसकी सब्जी वो बनाना है। बच्चे लोग ने कहा मम्मी आलू के पराठे बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है आज आलू के पराठे बना लेंगे। तो मैं बताऊंगी क्या क्या मैं डालती हूँ आलू के पराठे में, ठीक है ना। ये मैंने देखो कुकर में आलू उबाल लिया है और आज काम बहुत है। देखो पूरा काम ऐसे ही पड़ा है। अभी यहाँ पे ना 8 बजे पानी आता है, फिर काम स्टार्ट करती हूँ मैं। निकाल देती जो नया आलू है ना। तो वीडियो बनाने बैठे हैं, नीचे इतनी आवाज करते हैं लोग। जोर जोर से मोबाइल पर बातें करते भागते भागते। इजी तरीके से आलू के पराठे बनाऊंगी, जैसे आलू भून के भर के ही बनाते बहुत से लोग। और एक चीज़ बताऊंगी, वो आटा गूंदने के टाइम हम डालेंगे तो उससे बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं। तो ये 3 प्याज ले लिए, 2 अलग अलग किस्म के खाने बनाना पड़ते। ये लिया है प्याज, और ये मैं छोटे छोटे लेकर आई थी उनके लिए सब्जी बनाने के लिए। तो कचरा इसमें डाल देती हूँ। ये 4-5 हरी मिर्ची पराठे में डालने के लिए, और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है। जैसे तो कोथमीर, हरी मिर्ची, लहसुन पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डालती ये आलू को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें मैं क्या क्या मिलाऊंगी वो बताऊंगी। मेरे को भी ठंडा चलता है। डेरी की भाजी बनानी है ना, थोड़ा सा प्याज, प्याज लाल होती है ना तो ये बना लेते हैं। क्या इसमें क्या क्या डालने का? ये 2-3 प्याज ली थी वो है ना, और
कश्मीर थोड़ी सी रख लेते हैं सब्जी में डालने के लिए, हरी मिर्ची और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता इसमें भी डालने का। बता दी, और ये भी लाल हो गई। थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर करके दिखा ना मुझे, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी, हल्दी इसमें भी डालने का, ये भी हो गया। हल्दी डाल दी थी, टमाटर छीली, टमाटर छीली, टमाटर काम नहीं है, फ्री रहती है तो फोन करती है। नमक है ना, अभी देखो इसमें मैंने आलू वगैरह नहीं डाले हैं क्योंकि उनको ऐसे इसको ढाक लेंगे। सॉरी ये तो अंदर ही घुस गया यार, ऐसे करके यहाँ रखती हूँ। और मैंने ना पोहा लिया है, इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, तो मैं पीस लेती हूँ, आटे में डालेंगे, इससे क्या थोड़ा पराठे सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें मिला देते हैं ना आटा डाल के, ये दो कटोरी आटा है और एक कटोरी पोहा, और इसके साथ में कोक में डालने का था ना, उसमें सब सूखा तवा हो गया गरम, तो इसको कैसे मालूम हो लगा था?
ये हमारा पराठा हो गया, इसको हम इसमें ये दूसरा तैयार करते हैं। ये दूसरा पराठा आलू के पराठे में आलू ज़्यादा होना चाहिए तो अच्छा लगता है। अभी ये देखते हैं हम क्या हाथ से